हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या नॉर्थ कोरिया में कोरोना वायरस की प्रॉब्लम्स सच में नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, वर्ल्ड कम्युनिटी ये सोचने में लगी है कि क्या नॉर्थ कोरिया सच में एकदम ही अफेक्टेड नहीं, क्योंकि अभी WHO ने एक रिपोर्ट लाई कि नॉर्थ कोरिया में अभी एक भी केसेस नहीं मिले हैं कोरोना वायरस के, कोई भी डेथ नहीं मिली है। तो क्या ये सच में है? तो इसको आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था, उसमें बहुत सी बातें उजागर की गई थी और कुछ चीज़ें बताई थी गई थी नॉर्थ कोरिया के बारे में। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया के और कौन सी कोरोना वायरस से प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसी दिक्कतें झेलने मिल रही हैं, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास, हम क्या आपके लिए लेकर आए हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो अभी तक जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत पूरे वर्ल्ड सोच रहा है कि नॉर्थ कोरिया में केसेस नहीं है, और नॉर्थ कोरियन रिजाइम जो है किम जोंग उन की, वो भी ये कंट्री में कोई भी कंफर्म केसेस नहीं है COVID-19 के। लेकिन और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो वायरस के जो प्रॉब्लम है कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, वो किस तरह इम्पैक्ट है वायरस का नॉर्थ कोरिया में और उसके सिटीजन को, इसको जानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि कंट्री ने जीरो केसेस को मेंटेन किया है और वहाँ पर एक भी केसेस नहीं है। लेकिन जो सोर्सेज, जो इनसाइट नॉर्थ कोरिया से हमें मिल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि कुछ जो सिचुएशन है ये एकदम डिफरेंट है और इस तरह की मानी नहीं जा रही है। तो जो डिप्लोमैट है, द डिप्लोमैट करके एक न्यूज़पेपर है, उसने अभी ये रिपोर्ट है छापी कि नॉर्थ कोरिया में जो वहाँ के एक डेली न्यूज़पेपर ने, उसने ये बताया कि करीब 23 पीपल, यानी कि 23 लोगों की जानें जा चुकी हैं जिनमें COVID-19 के सिम्टम्स देखने को मिले थे, और करीब 82 यानी कि 82 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है मार्च के पहले। तो ये मार्च के पहले का ही डेटा है कि 23 लोग मारे जा चुके हैं COVID-19 रिलेटेड सिम्टम्स से, और करीब 82 मेंबर्स, जो 82 पीपल जो हैं उनको क्वारंटीन में रखा गया है। ये एक डेली नॉर्थ कोरिया के एक पेपर ने बताया है। लेकिन ये भी बोला गया उस कोरियन पेपर के द्वारा कि जो गवर्नमेंट है वो अपना बेस्ट कर रही है टू प्रिवेंट ऑल आउट हेल्थ पेंडेमिक, लेकिन जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं वहाँ जो नॉर्थ कोरियन रिजाइम द्वारा, उसका नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी पे एक बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। जो पहले से ही वल्नरेबल इकोनॉमी थी, जो पहले से ही मुश्किलात में फंसी हुई थी इकोनॉमी, उसको अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिल रही है। तो बहुत से ऐसे लोग मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने को दूसरी कंट्रीज से काट के रखता है, उसके कोई रिलेशंस नहीं है, ज़्यादा टूरिज़्म ये सब नहीं होता, इकोनॉमी भी कुछ खास तो इफ़ेक्ट करेगी नहीं। लोगों का ये मानना है कि क्यों इफ़ेक्ट करेगी इकोनॉमी, तो इसका एक बहुत ही फैक्टफुल जो रिजल्ट है वो मैं बताता हूँ आपको, या फैक्टफुल आंसर कह लीजिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी क्यों इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ गई है, ये चलिए देखते हैं। तो जो नॉर्थ कोरियन रिजाइम है जो किम जोंग उन के अंडर है, उसने कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मेजर लिए और वो काबिले तारीफ है। तो जो रिजाइन है उसने 25 जनवरी को ही अपने एक बहुत बड़े हार्बर में से एक, जिसका नाम है सिंजू पोर्ट, उसको बंद करा दिया, जिसके रिलेशन थे चाइना के साथ, जो चाइना के साथ ट्रेडिंग जहां से हुआ करती थी। और क्योंकि नॉर्थ कोरियन रिजाइन और ज़्यादा अदर कंट्रीज़ के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, तो इनके लिए आसान था कि वो ट्रेडिंग रुकवा सकते थे, चाइना के साथ उनके साथ रिलेशन था, और उन्होंने अपने एक पोर्ट को बंद करा दिया। और दो दिन बाद उन्होंने ये ऑर्डर किया कि चाइना के साथ सभी प्रकार के रिलेशन तोड़ दिए जाएंगे कोरोना वायरस के पैंडेमिक तक। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले। जो नॉर्थ कोरियन मर्चेंट्स के, जो लोकल मर्चेंट थे, उनको जो गुड्स मिलते थे चाइना के, और जो लोकल मार्केट्स में जो नॉर्थ कोरियन मर्चेंट जो अपने सामानों को बेचते थे लोकल मार्केट्स में, उनको उसको बेचने के लिए उनको कुछ गुड्स चाहिए होते थे चाइना के लिए, बनाने के लिए चाइना से, जिससे वो बना सके और अपने गुड्स को बना सके। तो उससे क्या हुआ, जब ये ट्रेड को बंद कर दिया गया चाइना के साथ, तो उनको सप्लाईज़ की शॉर्टेज होने लगी और पूरी तरह से उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, और उनको सप्लाई की शॉर्टेज हुई, तो पैसा भी उसका रेज हो गया और अब वो बहुत मुश्किल उनको हो रही थी। इसके अलावा अब जब शॉर्टेजेस होने लगी, और कुछ शॉर्टेजेस ऐसी होने लगी इन द
इन द रीजन ऑफ फ्लोर एंड राइस, मतलब कि आटा और चावल की भी शॉर्टेजेस उस कंट्री में देखने को मिलने लगी और इससे पूरी कंट्री में इस समय नॉर्थ कोरिया में वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो गई जनवरी के बाद, कह सकते हैं फरवरी और मार्च के महीनों में फ्लोर और राइस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि चाइना से ट्रेड बंद हो गया था। बाय अर्ली फरवरी द प्राइस ऑफ सोयाबीन ऑयल हैज राइजन बाय 68% कंपेयर टू अर्ली जनवरी व्हाइल फ्लोर प्राइसेस इंक्रीज बाय 47%। तो 68% सोयाबीन ऑयल बढ़ा और 47% फ्लोर के प्राइसेस बढ़ गए। हालांकि जो प्राइसेस इंक्रीज किए गए उसको जो प्योंगयांग के जो रेजिडेंट है यानी कि जो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वहां के रेजिडेंट जो प्राइसेस इंक्रीज हुए उनको उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो वेल्दियर थे एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज जहाँ पर लोग बहुत ही पुअर हैं, उतनी ज़्यादा वहाँ पर पैसे लोग नहीं हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं और वहाँ पर सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा वर्ष होनी शुरू हो गई थी इन द फेबरी। द रिसेंट सर्वे कमीशन बाई साउथ कोरिया मिलिट्री ऑफ यूनिफिकेशन शोड दैट नियरली हाफ ऑफ नॉर्थ कोरियन पर्टिकुलर इन बॉर्डर रिजाइम्स अर्न इनकम फ्रॉम द प्राइवेट इकोनॉमी। दिस मीन्स दैट अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ नॉर्थ कोरियन मस्ट बी गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स नाउ गिविंग द बॉर्डर क्लोजर विथ चाइना। तो साउथ कोरिया मिनिस्ट्री ऑफ यूनिफिकेशन, देखिए यहाँ पर कौन सी है, साउथ कोरिया है क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपनी जो रिपोर्ट से बुलाता नहीं है। तो जो मिनिस्ट्री है उसने बताया कि जो मेजॉरिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन पॉपुलेशन है वो अपनी इनकम जो है उनकी जो इनकम है वो प्राइवेट इकोनॉमी जो प्राइवेट बिजनेसेस है उस पर ज़्यादा बेस्ड है और ये वही प्राइवेट बिजनेसेस हैं जो चाइना के साथ ट्रेड पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इसीलिए जब चाइना का ट्रेड रोका गया तो अब बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो कनेक्टेड थी चाइना के ट्रेड थ्रू द प्राइवेट इकोनॉमीज वो अब पूरी तरह से फेलियर में जाती दिखाई पड़ रही है इन द फेबरी ऑल्सो इन द मार्च ऑल्सो। और अभी जो करंट में सिचुएशन का पता नहीं है लेकिन अभी क्योंकि पहले भी ऐसे हालात थे और अभी भी करंट में है क्योंकि भले अभी वुहान तो खोल दिया गया है लेकिन चाइना में अभी उतना ज़्यादा ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। तो जहाँ तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी भी नॉर्थ कोरियन पीपल को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब जो ये इकोनॉमिक सिचुएशन जो डायर इकोनॉमिक सिचुएशन है जो बहुत ही खराब इकोनॉमिक सिचुएशन है ये सिर्फ बॉर्डर रीजन या जो ट्रेडिंग एरियाज हैं वहीं पर ये दिखाई नहीं पड़ती बल्कि पूरी कंट्री में ये फैलती हुई नजर आ रही है। कैसे, अब देखते हैं इसके बारे में। तो 25 मार्च यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले 25 मार्च को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रोविंशियल पार्टी कमिटीज को एक ऑर्डर भेजा जिसमें लिखा गया जैसे कि स्कूल्स हो गए और म्यूनिशन फैक्ट्रीज हो गई लोकल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गए इनसे ये बोला गया कि आप अपने एक महीने के जो फूड है उसका जो पैसा है उसके जो एक्सपेंसेस है वो आप खुद उठाएंगे गवर्नमेंट बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और गवर्नमेंट अब खुद ये ऑर्डर दे रही है छोटी छोटी पार्टी कम्युनिटीज को कि आप खुद से कीजिए हम आपको हेल्प करने वाले नहीं है। द ऑर्डर डज नॉट हाउएवर अप्लाई टू द कंट्रीज टॉप लेवल ऑफिशियल्स और स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज। द सिचुएशन हैज दस गॉटन सो बैड दैट द स्टेट कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड फूड राशन टू मैनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पर यह कहना है कि ये जो इनके ऑर्डर्स हैं ये टॉप लेवल ऑफिसर्स के लिए और स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नहीं लगता है लेकिन जो वहाँ की सिचुएशन है वो पूरी तरह से बर्बाद होती चली गई है क्योंकि अब स्टेट जो है वो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को फूड राशंस प्रोवाइड ऐसा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा जिससे उनका न्यूट्रिशनल लेवल उनके जो बेसिक मीन्स खाने का है सामान उसको कैसे भरा जाए इसका कोई भी अब सोर्स नहीं पता है कि कौन इनको देगा और उनको खुद बोला गया कि आप खुद कीजिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ जो ये डिसीजन है ये साफ साफ बताता है कि नॉर्थ कोरियन जो ट्रेड है या नॉर्थ कोरिया जो इकोनॉमी है ये पूरी तरह से कोविड-19 से अफेक्ट हो गई है और जो लोग जानते नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के बारे में अंदर क्या हो रहा है यहाँ साफ साफ ये उजागर होता है बाय द डिप्लोमैट के आर्टिकल और जो डेली नॉर्थ कोरियन जो आर्टिकल आया उससे ये पता चल रहा है। तो नॉर्थ कोरिया का ये मोटो शुरुआत से रहा है कि वो सेल्फ रिलायंस पे कोशिश करता कि सेल्फ रिलायंस करता था उसी पे वो विश्वास करता था लेकिन जब से क्या हुआ कि कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली गई क्योंकि उनका जो ट्रेडिंग थी इकोनॉमी थी वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड
थी, भले वो सेल्फ रिलायंस पे विश्वास करते थे लेकिन चाइना के साथ उनके बहुत ही जरूरी रिलेशन है। और COVID-19 के ख़त्म होने के बाद भी ये देखने का बहुत ही ज़रूरी होगा कि क्या नॉर्थ कोरिया अपनी इकोनॉमी को जल्दी स्टेबल कर पाता है विद द हेल्प ऑफ चाइना कि नहीं, क्योंकि चाइना से उसके बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी और उसके ट्रेड में। तो अभी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी तो इकोनॉमी उसकी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है ड्यू टू COVID-19। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन ऑफ COVID-19 और कोरोना वायरस इन नॉर्थ कोरिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपको और कौन से कंटेंट चाहिए हमारे चैनल पर, और हमें नए टॉपिक्स भी आप बता सकते हैं। और तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर विद आर वीडियोज़।